कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो वहां पे बैठने सालों भारतीय जनता पार्टी बना, लेकिन हमारा लगाव दीदी से बहुत बना हुआ था। मैं उनके हर कार्यक्रम उनकी बहुत सराहना करता था। मेरा आज भी मानना है कि ममता जी से बढ़िया प्रभावशाली ममता जी जैसा कोई इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पावरफुल और पॉपुलर लीडर पूरे देश में कोई नहीं है। जमीन से जुड़ी हुई है वो, अपने कमिटमेंट के बारे में और अपनी जुबान जो देती है उसके बारे में बहुत मशहूर है। ममता जी की गारंटी का मतलब है हां तो हां ना तो ना। ममता जी गारंटी को कभी जुमलेबाजी में नहीं बदलती है। उनकी गारंटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी की तरह नहीं है कि पहले सैकड़ों गारंटी दे गए, 15 लाख रुपया घर पहुंचाने का, एक एक इंसान को 2 करोड़ नौकरियां देने का, डॉलर की कीमत कम करने का, रुपए की वैल्यू बढ़ाने का, पेट्रोल डीजल को 60-40 रुपए तक लाने का जो 100 रुपए से ज्यादा है, बेरोजगारी का नारा दिया, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कुछ नहीं हुआ, महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग यूथ भारतवर्ष में है, यकीनन 25 से 30 वर्ष के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में है। लेकिन ये सुन के आपको ताज्जुब होगा या दंग रह जाएंगे कि उनमें से 83-84% 83-84% लोग बेरोजगार हैं, यानी 100 में 15-20 लोग को भी ढंग से काम नहीं है। यह खुद गौर से सोचिए। और उन्होंने गारंटी दी थी युवाओं को रोजगार देंगे, क्या क्या नहीं गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब नई नई गारंटी जुमलेबाजी लेके आ रहे हैं, क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। अरे पहले की गारंटी का क्या हुआ। और उसके बाद इलेक्शन की घड़ी में ठंडे बस्ते में डाली गई बातों को, पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी भाई बहन लोग रहते हैं तो सभी का हिंदी कॉलेज हिंदी यूनिवर्सिटी की लड़ाई आज का नहीं था। आसनसोल में हिंदी कॉलेज बनाने का लिए सीपीएम का जमाने में 20-25 साल से लड़ाई हो रहा था, लेकिन हम लोग का चीफ मिनिस्टर एक दिन में हिंदी कॉलेज बना दिया, एक दिन में, वन डे। हमको याद है दुर्गापुर में हम लोग का चीफ मिनिस्टर आए थे, हम लोग का एक पार्टी का कॉन्फ्रेंस था, उस टाइम शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। हमसे पूछा क्या होना चाहिए यहाँ पर, हमारे लिए हिंदी कॉलेज होना चाहिए। तुरंत बोला एजुकेशन मिनिस्टर को कि आप ही बोलिए हिंदी कॉलेज के लिए, प्रस्ताव करके हिंदी कॉलेज बनाने। और उसी दिन वही से एजुकेशन मिनिस्टर फोन करके चीफ मिनिस्टर फोन करके हिंदी कॉलेज का फैसला हो गया। तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर पीछे वाला भी देख रहा है हिंदी कॉलेज नहीं। देखिए बंगाल में जो खास करके हिंदी भाषी जितने भाई बहन लोग रहते हैं, आज हिंदी स्कूल अभी बोला ना 65, खाली ये 12 साल में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया, 65 स्कूल हिंदी स्कूल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा। अब हिंदी कॉलेज यहाँ का लड़का बच्चा लोग को झारखंड बिहार जाने पड़ता था, लेकिन अभी आसनसोल में उन्होंने हिंदी कॉलेज में हिंदी भाषा में ग्रेजुएशन का पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। कन्याश्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और हमारे शुभेंदु बाबू परसों एक मीटिंग में घोषणा किया ये वो संग्रामी भाता देगा, माने सरकार से तनख्वाह मिलेगा, ये है संग्रामी भाता। तो आप संग्रामी भाता को लिए सोचते रहिए, हम लोग सोचेंगे 40 सीट दीदी को देना है। आप लोग का चाहते वाला बिहारी बाबू हमारे एमपी हमारे उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जी पहुंच गए, उनको बहुत बहुत नमस्कार।
देके उनको विजयी करने को आवेदन जना के हमारा वक्त खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय। थैंक यू हमारे जिलाध्यक्ष। नरेंद्र एक मिनट, नरेंद्र एक मिनट, हरी सैली में पगड़ी बांध रहे हम लोग। अच्छा ठीक है, समय कम है इसलिए अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करता हूं वक्तव्य देखने के लिए माननीय डिप्टी मेयर श्री अभिजीत घटक। बहुत बहुत धन्यवाद आज का हिंदी प्रकोष्ठ के ये प्रोग्राम का संचालक है मनोज यादव। मंच में हमारे बीच में मौजूद आपने की दीर्घदिन कोनो समस्या भुगछेन विद्या चाकरी व्यवसा विवाह अशांति कुष्टि जोटक विचार वास्तु विचार समस्त समाधान एकमात्र सेरा ठिकाना कामाख्या ओ तारापीठ सिद्धतांत्रिक ओ ज्योतिषी डॉक्टर प्रसाद रॉय। आमादेर ठिकाना RC/80 बेंगल अम्बुजा नियर जोराहाट रोटरी सिटी सेंटर दुर्गापुर। फोन नंबर 7407250555। आरो एकटी नंबरे आपनारा जोगाजोग करते पारबेन 7679247682। आर देरी ना करे बुकिंग करे आज ही चले आसुन। डॉक्टर प्रसाद राय दीर्घदिन बेंगल अम्बुजार MA/AB/06 এ ছিলাম। বর্তমানে আমি বেঙ্গল অম্বুজারি RC/80 নিয়ার জোড়াহাট রোটারি এখানে আমার চেম্বারটি স্থানান্তরিত করেছি। বর্তমানে এখানেই আছি, আপনারা এখানেই আমাকে সবসময় পাবেন।